हुनर द्वारा हर साल गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए समर कैंप का आयोजन किया जाता है। समर कैंप के दौरान बच्चे खेलना, कूदना, गाना और भी जरूरी चीजें सीखते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल नहीं है। समर कैंप का समापन छोटे छोटे बच्चों ने जब प्रतिभा निकेतन स्कूल में मंच पर किया तो वास्तव में देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। लगभग 15 दिनों तक चलने वाले हुनर समर कैंप का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। इस दौरान बच्चों ने स्टेज पर जब एक के बाद एक प्रतिभाएं देना शुरू की तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दिखा ली। दरअसल हुनर समर कैंप हर साल एक समर कैंप गर्मियों की छुट्टी में आयोजित करता है जिसमें छोटे बड़े बच्चे भाग लेकर के अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं। इस बार भी हुनर समर कैंप द्वारा ऐसा ही कुछ किया गया। हुनर समर कैंप में आए बच्चों ने स्टेज पर डांस गाने किया गया। हुनर समर कैंप का आयोजन 25 मई से लेकर 15 जून तक किया गया और 15 को ग्रैंड फिनाले के रूप में इसका भव्य समापन किया गया। इस दौरान बच्चों को पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मार्शल आर्ट, डांस और म्यूजिक की बारीकियों को सिखाया गया और डांस के लिए विशेष रूप से क्लासिकल डांस के लिए कलकत्ता से दीपांकर दास को और वेस्टर्न डांस के लिए सुमित गुप्ता लकी को बुलाया गया। इन दोनों लोगों ने बखूबी बहुत अच्छे अच्छे डांस के परफॉर्मेंस, डांस के सीक्वेंस बच्चों को सिखाया। बच्चों ने वेस्टर्न, क्लासिकल, फोक, उन सभी तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की जिन चीज़ों की आज के दौर में समाज को ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य था नई प्रतिभाओं को मंच मिले और जो आज का जो ग्लैमर का माहौल चल रहा है, जो बलगट्टी आ रही है, उससे दूर संस्कृति और सभ्यता के रूप में परिवार के साथ बैठ के जो कार्यक्रम देख सके, ऐसे प्रोग्रामों को तैयार कर बच्चों को मंच प्रदान करना।